सम्मानित साथियों, समा फिल्म कंपनी की ओर से ये भोजपुरी बिरहा मुकाबला आप सबके बीच में गीत के माध्यम से जा रहा है, जिसके देख रेख कर रहे हैं बड़े भैया राजन जी और हम रामहित यादव बिरहा के गायक कलाकार, जिनके डायरेक्शन में तमाम कलाकारों की रिकॉर्डिंग आज हो रही है। बधाई देंगे बड़े भैया राजन जी को, जिन्होंने एक मजबूत पहल करके इधर के कलाकारों को बढ़ाने का काम किया। आज एक बिरहा के माध्यम से वीर रस का बिरहा, खास करके उन सरहद पे शहीद हुए फौजी भाइयों के लिए, उनके सम्मान में एक भोजपुरी बिरहा वीर रस का आपके बीच में भेज रहा हूँ। कोई त्रुटि होगी तो क्षमा करिएगा। चार लाइन भूमिका से मास्टर समर में भले सानियों का कदम सभी बर्दाश्त करती न दुश्मन की बोली, शान सम्मान पे जान कुर्बान करते शौक से बल किसी ने दिखा दे बोली, सरफरोशी की लेकर के दिल में तमन्ना सर्वदा खेला करते फूलों की होली, सीमा पे सुनकर गया ऐलान भोला शिरकत में आई जवानों की टोली। और करेंगे साथियों फौजी वो होता है, अरे सर समर में भले सानियों का कटे कभी बर्दाश्त करती न दुश्मन की बोली, शान सम्मान पे जान कुर्बान करते शौक से बल किसी ने पिखाते हैं बोली, सरफरोशी किले करके दिल में तमन्ना सर्वदा खेला करते हैं खूनों की होली, और सीमा पे सुन करके ऐलान भोला शिरकत में आई जवानों की टोली। कहानी का शुरुआत बा मास्टर भैया एक लाइन कव्वाली का नमूना बा। वह कव्वाली का नमूना बा श्री राम भैया जो हारमोनियम के संग से बतावत हूं। कि अरे सोने का सुर जवा, अब सोने का सुर जवा उगावे हीरा मोती, सलाम करेला ये दूसरे के खातिर जियल करेला, ऐसे फौजी भाई जो सरहद हिंद की रखवाली करते हैं उनके सम्मान में कहना चाहता हूं कि अरयान के खातिर शौक से सारी जवान हमारे, जिंदगी जवान, जिंदगी जवान हमारे,
शादी का शुरुआत बा जौहरी शहर के लाइन में कहना बा श्री राम भैया गौर करेंगे साथियों, ये कैसी कहानी है, किसकी कहानी है, बड़ी करुण कहानी है। आप लोग एक एक लाइन पर गौर करेंगे। विदेशिया के लाइन में कहना है साथी बाबा ओही बादा जिलावा में अरे बिसुनपुर गौवा बा वीरेंद्र सिंह आइल रहले छुट्टी ले के घरवा कि माई बूढ़ी जानकी के अरे एकलौता बेटवा बा पतनी संगीता गोदय कठे दुलरवा कि कारगिल बडरवा पे अरे छिड़ल बा लड़ैया हो लड़े बदसी मामा से आई गई लतरवा किरणवा में जाए बदे माई से मांग छुटिया हो अरोवे लगल जननी तो पूछल जुझरवा। मेरे विरह प्रेमियों सम्मानित साथियों जरा गौर करेंगे ये कैसी कहानी है, किसकी कहानी है। बांदा जनपद उत्तर प्रदेश बिशुनपुर गांव का रहने वाला वीरेंद्र सिंह फौजी, पत्नी का नाम संगीता बताया गया, जिसके गोद में छोटा सा नन्हा मुन्हा बालक है साथी। माँ का नाम जानकी देवी, जिसका इकलौता औलाद वीरेंद्र सिंह छुट्टी लेकर के एक महीना का घर को आया था साथी। अभी 3 दिन बीता था छुट्टी बीते कि अकस्मात एक तार आता है और उस तार में लिखा होता है कि वीरेंद्र सिंह तत्काल प्रभाव से तुम्हारी छुट्टी समाप्त कर दी गई, जितना जल्द से जल्द हो सके आकर के ड्यूटी ज्वाइन कर लो। भारत के सरहद पर पाकिस्तानी घुसपैठियों का आतंक मचा हुआ है। ऐसा ही वीरेंद्र सिंह तार पाता है और तुरंत ड्यूटी जाने की तैयारी करता है। माँ से जाकर कहता है कि माँ मेरी छुट्टी समाप्त कर दी गई है, मैं जा रहा हूँ ड्यूटी। माई ये भैया ममता ने पूछ पड़ल की ये बेटा एक महीना के छुट्टी में आई लहला, इतनिया दिन के बाद तू ड्यूटी जाए के बात करता ऐसा कौन बात आ गई बेटा। वीरेंद्र कहले माई भारत का सीमा सुरक्षित ना है, पाकिस्तानी घुसपैठी आतंक मचौले हो, हमार छुट्टी समाप्त कर दिहल गई, हम जाते माई कारगिल के सीमा पर। ए साथी कारगिल के नाम सुनत माई के अखिया से झरझर झरझर आंसू चले लगल। वीरेंद्र सिंह माई से पूछत हूँ की बारे माई एक से एक बॉर्डर पर ड्यूटी करे गई नहीं, तोरे आंख से आंसू न चलत रहल, आज सीमा पर कारगिल के सीमा पर हम लड़े जाते थे तोरे आंख से आंसू चलत बा माई, कारण का बा एक लाइन तरज बा मास्टर अरे नया नया माल बाई गाड़ी बे मिसाल बाई
भावना छैला राजा मोरी मारुति में आवना जानल चाह तो हमारे आंख से काहे आंसू चलत बात सुन ले बेटा कि वो नई 165 वाली अरे याद बा कहानी अब भारत के सीमावा में घुसा पाकिस्तानी भारत के बतावे ले विचार माई गला सुन ले बेटा हमरे आंख से काहे आंसू चलत बा ये बेटा वो समय तुहार जन्म ना भइल रहल वो समय तू पेट में गर्भ में पलत हला बेटा तब का कहानी याद दिया वो एक लाइन करज बा भैया तोरी मुस्की जवनिया हो गोरी तोरी मुस्की जवनिया हो यार बलिया हिलावे बेटा वो नहीं 165 में तू गर्भ में पलत रहला बबुआ तुहार जन्म ना भइल रहल अब वो नहीं 165 में वही पाकिस्तान से लड़ाई छिड़ल रहे वही सीमा पर बाबूजी तुहार लड़े गए रहल और जौनी समय लड़े गए रहल वही समय तक तुहार बाबूजी शहीद हो गए यह बात हम के मलाल ना है लेकिन कहिया शहीद भइल रहल माई बतावतिया सजना के मरल मुँह दैया हो माई रोई रोई बतावे सजना के बाबूजी तुहार शहीद हो गए ना एकर मलाल दी बिल्कुल ना है लेकिन ए बबुआ आर जवने दिन बेटवा हम तुहके जन्म खुशहाली रहल की फौजी साहब के पत्थरे पर कदूब जामल बा देर से ही सही लेकिन आज गोद गुलजार हो गई द्वारा पर सोहर सहनाई गुजत रहे बेटा मिठाई बटत रहे 12 बजे तक लोग खुशियां मनावत लेकिन 12 बजे के बाद जैसे पूरे गांव में कोहराम मच गई जब खबर आई कि तुहार बाबूजी
शहीद हो गई लड़के सीमा पर। आरे जवने दिल बेटवा हम तुहके जनमवा, ओही दिन लास तुहर बाबूजी कयली, ओ बाबूजी कयली, दुख दैया हो भारी मिलल दुख दैया हो माई रोई रोई बताए, ए बच्चो माई रो रो समझावत है कि बेटा मत जा लड़े सीमा पर, विधवा के उम्र कितना कष्टदायक होला, एक दिन के तुमके रला जैया बाबूजी तुहार शहीद भैले, पूरी जिंदगी हम रड़ापा खेलेली तुमके लेके, ए नाते बेटा हम जानत है विधवा के उम्र कितनी कष्टदायक होले। रो रो के आगे वाली लाइन में माई बतौले बा, का बतौले बा मास्टर तरस के लाइन, ई देखा कि भैया बड़ी पुरान तर्जबा, पहले तो बाप दादा गावत रहले, कैसे गावत रहले श्री राम भैया, अरे पुसबी तल माघ बीतल बीतल सभी तल माघी तल अरबी तल गहनवारा, भैया कही दा भौजी भैया जी से, कही दा भौजी भैया जी से दे देते कमतारी जानकी देवी बतावत हैं कि ये बेटा अरे बड़ी दुख देला जग में, कि बड़ी दुख देला जग में विधवा के उमरिया ला, ए बेटा अरे कहना हम
जाना तारा खेती बरियाला भैया माई इजाजत ना देती है लड़ाई के मैदान में जाए के वीरेंद्र फौजी नौजवान कलेजे में कसक रहा है बेचैनी छाई हुई है कि देश के प्रतिष्ठा का सवाल है मां इजाजत नहीं दे रही है लड़ाई में जाने के लिए चल देता है अपने पत्नी के पास पत्नी का क्या इजाजत है जरा पूछ लेना जरूरी है ऐसा थी मां और बेटे की बात बहू सुन रही थी दीवार के आड़ से और जाकर के वीरेंद्र जैसे ही संगीता से आवाज देता है कि हे प्रिया देश की सीमा सुरक्षित नहीं है मुझे लड़ाई में जाना है माँ इजाजत नहीं दे रही है बारे पत्नी भारत की वीरांगना नारी आवाज देती है पतिदेव आपके पिताजी लड़ाई करते शहीद हो गए थे अगर आप उसी लड़ाई से मुंह मोड़ लेंगे तो लायक बाप का नालायक औलाद कह करके ये दुनिया जीने नहीं देगी इस नाते एक अर्धांगिनी होने के नाते मैं अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए देश के लिए तैयार हूँ आप जरूर जाएंगे लड़ाई के मैदान में आरती उतारती है अपने पति की पूजा करती है चरण की और अपने पति को आवाज देती है लड़ाई में जाइए पतिदेव और मैं तीन कसम देती हूँ आपको उस लड़ाई में पूरा करके ही आइएगा अन्यथा वही वीर गति को प्राप्त हो जाइए एक लाइन तर्जवा भैया है तरज कलाइन हमारे रामहित गुरु भी ये गीत के गावत रहने कबो पुरान ना भइल और देखा गवैया का अंदाज पुरान होला कोनो तर्ज पुरान ना होला एहना ते कहना बा कि अरे चढ़ली सवनिया कपोला जनी खोला ओ पपिहरा हरि कबोल जनी बोला चचा गावत रहे अपने जमाना में कैसे गावत रहे भैया बड़ी लहरा के गावत रहे कि अरे हथवा का गुजर अरे फूटली राजा जवनिया में गड़िया छूटली राजा सिंह की पत्नी अपने पति को आवाज देती है पतिदेव लड़ाई क्षेत्र में लड़ने के लिए जा रहे हैं मेरे बातों को गौर करिएगा कहले बा का कहले बा भैया कि अरे तिलक समिया तू हमारी निभैया हमार सैयार बोली सीना बेखैया याद दिलाती है पतिदेव लड़ाई क्षेत्र में याद कर लीजिएगा वही पाकिस्तानी आपके पिताजी को 1965 में धराशायी कर दिए थे इस नाते पहला कसम है कि बाप का बदला तुरण में चुकाना अब का बहु कदम आना पीछे हटाना भैया
बा चलल बा गर्जत कर राके और जौने समय चला है जवान वीरेंद्र सिंह फौजी टेरी के लाइन में कहना बा भैया मर्यादा भारत माँ के रख में अरे मर्यादा अब मर्यादा हो मर्यादा भारत माँ के रख में अरे तो कैसे रोक जमाई रण में हराम जादा मर्यादा भारत माँ के रखवे वीरेंद्र सिंह फौजी ललकार उठता है खबरदार घुसपैठियों हरामजादों में आ रहा हूं सीमा के अंदर लड़ाई होगी आमना सामना होगी देखते हैं तेरी माँ कितनी दूध पिलाई है तुझे कश्मीर जान से प्यारा है अरे कश्मीर जान से प्यारा है नहीं बाप की तेरे बपौती है दुश्मन को सबक सिखाएंगे तब ना हर दिया चुनौती है चल देता है लड़ाई क्षेत्र में ऐसा थी वो समय के भाव लगल चौलरिया कजरी गोरिया दिन भर कई की कटिया अरे गोरिया दिन भर कई के कटिया लेके हथवा में सिलवटिया अंगना पिसा समय का नजारा पहपट के लाइन में कहना बा भैया अरे किया बघेला धुआंधार बमबाजी कर गिला बॉर्डर पे अरे किया बघेला धुआंधार बमबाजी कर गिला बॉर्डर पे और किया न चलने दुश्मन की रंगबाजी कर गिला बॉर्डर पे साथी वो लड़ाई कितनी टेढ़ी थी 17,000 फीट ऊंची पहाड़ी जो टाइगर हिल की चोटी बताई जाती है जिसकी ऊंचाई 17,000 फीट बताई गई उतनी ऊंचाई से दुश्मन लड़ रहा था जबकि हमारे देश के दीवाने फौजी 17,000 फीट नीचे से लड़ रहे थे लड़ाई का अंजाम साथी जब गोला दागते थे तो पहाड़ियों से टकरा करके वो अपने ही सैनिकों को घाही करती थी आखिरकार कर्नल साहब
हताश हो गए कि ये लड़ाई कैसे जीती जाएगी। उस समय वीरेंद्र सिंह फौजी आगे आता है और बोल पड़ता है, कर्नल साहब लड़ाई ऐसे नहीं जीती जाएगी। चोटी के ऊपर से लड़ता मधुसमन साधन नीचे से लड़ते देश दीवाने अरे मरते रहे रजाना कि हताश कर्नल बोला है अंगाजी करगिल बॉर्डर पे अरे यही सब परास्त आई ना यही पाजी करगिल बॉर्डर सिंह आगे आकर के बोल पड़ता है कर्नल साहब कि अरे टाइगर हिल की चोटियां पे अरे चबल रही है बजरी भैया तब तक सही मेरा सारी सुजान रस्सी के सहारे पहुंचा चोटिया के ऊपर रस्सी के सहारे पहुंचा चोटिया के ऊपर बाजी हेलीकॉप्टर मेरा सारी सुजान बाजी हेलीकॉप्टर मेरा सारी पहुंच ललकार दिया बीरात चारों ओर से घेरी लेल पापी पाकिस्तान आए साथी बताया गया वीरेंद्र सिंह कर्नल साहब से कहता है कि हमने से जब तक कोई टाइगर हिल की ऊंची चोटी पर नहीं जाएगा कर्नल साहब ये लड़ाई जीतना असंभव है। ऐसा थी उस समय वीरता का परिचय देते हुए नौजवान वीरेंद्र सिंह कमर में रस्सी बांध करके हेलीकॉप्टर की सहायता से जिस समय टाइगर हिल की चोटी पर पहुंचता है ऐलान कर देता है छिप करके लड़ाई करने वाले कायरों अगर माँ ने दूध पिलाई है तो सामने सामना लड़ ले। बताया गया टाइगर हिल की चोटी पर 11 पाकिस्तानी घुसपैठिए वीरेंद्र सिंह को चारों तरफ से घेर लिए थे लेकिन वीरता का परिचय देते हुए दस दस घुसपैठियों को उसी टाइगर हिल की ऊंची चोटी पर नेस्तनाबूत कर दिया। अंतोगत्वा विजय का तिरंगा झंडा लेकर के जिस समय टाइगर हिल की चोटी पर गाड़ दिया कर्नल साहब को सिग्नल देता है कि हमने टाइगर हिल की चोटी फतह कर दिया। बाबा कर्नल साहब ऐसा थी एक धोखा हुआ ये 11वां घुसपैठी जो अपने 10 साथियों के मारे जाने के बाद जो उसी गुफे में छोटी सी पहाड़ी की गुफा थी छिप करके जान बचाया था हरामजादा और चूक हुई वीरेंद्र सिंह से थाए 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 गोलियों से छीन सीना छलनी कर दिया नौजवान वीरेंद्र सिंह का। अरे साथी तिरंगा झंडा गाड़ करके वहीं धराशायी हो जाता है नौजवान वीरेंद्र सिंह। तमाम सैनिक बल लेकर के उस समय जिस समय कर्नल साहब टाइगर हिल की चोटी पर पहुंचते हैं नौजवान के सीने में धड़कन चल रही थी। कर्नल साहब ने कहा बेटा तेरे जैसे जवानों को मां भारती की जरूरत है मरना नहीं बेटा जीने की आवश्यकता है हिम्मत रखो
लेकिन ऐसा थी वक्त आखिरी चल रहा था। कर्नल साहब से फौजी ने कहा कि साहब अब जाने का वक्त है, एक लेटर लिखवा दिया जाए और वे मेरी पत्नी के नाम से वो लेटर मेरी पत्नी को दे दीजिएगा। उस आखिरी वक्त में लेटर लिखा वीरेंद्र सिंह, और वही लेटर जैसे ही लिख करके खत्म हुआ, माँ भारती को सलाम करता है और भारत माँ की गोद में सदा के लिए सो जाता है। ऐसा थी तिरंगे झंडे में लपेट करके जिस समय लाश वीरेंद्र सिंह के गांव बांदा जनपद उत्तर प्रदेश बिशुनपुर गांव आता है, वीरेंद्र सिंह फौजी का लेटर वही लेकर के कर्नल साहब आए थे। वीरेंद्र सिंह ने कहा था ये लेटर किसी नेता को मत दीजिएगा, ये लेटर ग्राम प्रधान डीएम एसडीएम तहसीलदार किसी को मत दीजिएगा, ये लेटर सिर्फ और सिर्फ मेरे पत्नी के नाम से है, उसको दीजिएगा। बाबा ऐसा क्या लिखा था वीरेंद्र सिंह ने जो सिर्फ पत्नी को देना चाहते थे? ऐसा थी बिरहा के आखिरी लाइन में मैं बताता हूं क्या लिखे थे। ऐसा थी वीरेंद्र सिंह उस लेटर में अपने पत्नी के नाम से लिखे थे कि हे प्रिय कि अरे अपने विरक्ता समर में अरे देखवली बियाही तुहरी तीन ठोक समियानी भवली बियाही। लेटर में क्या लिखे थे मैं बता रहा हूं आपको, अपने पत्नी के नाम से यही तो लिखे थे बाबूजी कि अरे अपने बिरह को समर में अरे देखवली बियाही तुहरी तीन ठोक समियानी भवली बियाही। वीरेंद्र सिंह लेटर में लिखे थे कि हे प्रिय जब मैं लड़ाई के मैदान में आ रहा था तो तूने मुझे तीन कसम दिया था, मैंने अच्छे से उसका पालन करते हुए अपने देश के लिए मातृभूमि के लिए सदा के लिए तुमसे अलविदा हो रहा हूं, और हो सके तो मैं भी तुझे तीन कसम देकर के जा रहा हूं, यदि पूरा कर दोगी तो मेरे आत्मा को ऊपर भी शांति मिलेगा। बाबा वीरेंद्र सिंह उस लेटर में कसम दिए थे अपनी पत्नी के नाम क्या दिए थे बाबू गौर करेंगे? अरे तीन कसम प्यारी तू हमारी निभाना, अरे मरने के बाद हमें भूल नहीं जा। तुहरी तीन हे प्रिय मेरा पहला कसम तुम्हारे नाम है। मैं एक दिन का था, मेरी माँ मुझको पाल पोस करके बड़ा किया और फौज की नौकरी दिलाई, मेरे पिताजी भी फौजी थे देश के लिए शहीद हो गए, मैं भी इस देश का सेवा करते हुए माँ भारती के आंचल में सदा के लिए सो रहा हूँ, इस नाते ये पहला कसम है कि तेरे गोद में मेरा नन्हा मुन्हा एक बालक पल रहा है। तुम भी कि ललना के फौज में भर्ती करई हा, अरे लाश देखी रोई तब ही तू मती रही तीसरा कसम और आखिरी कसम तुम्हारे नाम है हे प्रिय क्या कि अरे माई का सेवा करी हो बेटा बन बिसरवली बियाही तुहरी तीन ठोक समियाँ।
तालीब यही साथी। लिखता है तीसरी लाइन में कि हे प्रिय, जब पति सुख का वक्त था तो पिताजी चले गए मां को छोड़ करके, और जब बुढ़ौती के सहारा की जरूरत पड़ी तो बेटा भी छोड़ करके जा रहा है। इस नाते हे प्रिय, आज से मां का पति, पुत्र और बहू के भूमिका को अदा करना बाबा, और माँ का सेवा करते रहना, मेरे आत्मा को निश्चित रूप से ऊपर शांति मिलेगी। मुझे नाज होगा ऐसे पत्नी पर। नाते हे प्रिय, मेरे तीन कसम को पूरा कर देना। आखिरी लाइन में कहना है साथी, अरे भी सुना पूरा गौआ, मैं आई जब की लसिया, अब फूलावा चढ़ा के रोवा गौआ के बसिया। साथियों, बारा जनपद उत्तर प्रदेश बिशुनपुर गांव में जिस समय ताबूत में रख करके तिरंगे झंडे में लपेट करके शहीद की लाश आई, पूरा हुजूम उमड़ा हुआ था श्रद्धांजलि देने के लिए। कलेजे पर पत्थर रख करके वो वीरांगना पत्नी पति के अर्धी में कंधा लगाए हुए और आखिरी विदाई देने के लिए श्मशान तक जिस समय जाने की तैयारी की, देखने वालों की रूहें कांप जाती थी। इस देश के पूर्व रक्षा मंत्री धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव उस परिवार में पहुंचे और उस परिवार के आंसू को पोछने का काम किए और उन परिवार को सहायता राशि दिलाने का काम किए, और बहुत सारे इस देश के नेता और राजनेता अभिनेता श्रद्धांजलि देने के लिए बिशुनपुर गांव में पहुंचे थे साथी बाबा। इस नाते ऐसे शहीदों को सत सत नमन करता है पूरा देश, जो अपने लिए नहीं बल्कि इस हिंदुस्तान के लिए अपनी सर्वस्व निछावर कर देते हैं। ऐसे शहीदों को कोट कोट नमन करते हुए बिरहा के आखिरी लाइन, तो स्वामी गुरु बिहारी रमन हुए स्वर्ग के वासी, श्याम नारायण विश्वनाथ जी बसे नगरी आकाशी। अरे मर्यादा भारत माँ का रखम, अरे भैया मर्यादा भारत माँ का रखम, भोला राम ही से चली न सकी ज्यादा मर्यादा भारत माँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।